تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. उमर फारूक भाई का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, उमर फारूक रहमानी तुंसा शरीफ से। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है कि क्या प्लास्टिक की टोपी पहनकर नमाज पढ़ना जायज है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। भाई उमर, प्लास्टिक की टोपी नमाज के साथ मजाक है। देखें, आप प्लास्टिक के कपड़े नहीं पहनते, प्लास्टिक के आप जो है ना जूते किस तरह पहनेंगे? मेरे भाई, हदीस पाक और कुरान करीम के मुताबिक नमाज को हुस्न के साथ पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, आपको नमाज के लिए मुज़य्यन बन के आना चाहिए, खूबसूरत हो के आना चाहिए, प्यार के साथ और ख़ूबसूरती के अंदाज में आना चाहिए। तो आप ये जाली वाली टोपी पहन के किसी अच्छे मजमे में जाना अपनी खूबसूरती नहीं समझते, तो अल्लाह के घर पे आना आप कैसे अच्छी खूबसूरती समझते हैं? इससे बेहतर है कि आप इस टोपी को फेंकें, कोई अच्छी टोपी अपने सर पे रखें, इस जैसी टोपी को सर पे न रखें। यह तो बिल्कुल नमाज के साथ एक मजाक की हैसियत है।